नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन एंड आयोनेशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन टेक्स प्लेस ओनली इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड. ये जो प्रोसेस होता है टेक्स प्लेस ओनली इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स. वेयर एज आयोनेशन आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस इन कोवेलेंट कंपाउंड. टेक्स प्लेस इन कोवेलेंट कंपाउंड. पहला पार्ट समझ में आया. दिस इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ आयन्स. इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ आयन्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड. ऑलरेडी प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड. एग्जाम्पल लिखेंगे PbBr2. ये खाली सेपरेट होगा, इसके अंदर ऑलरेडी आयन्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ये सेपरेट हो जाएगा. तो इट विल फॉर्म Pb2+2Br-. आया समझे तुमको? बट सेकेंड वाले पॉइंट में यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ चार्ज लाइन होता है, मतलब यहाँ हियर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज आयन्स. From the molecules which are not in ionic state. Not in ionic state. Example लिख लो आप HCl का. HCl तुमको मालूम है polar covalent compound ही है. ठीक है. This will give you what? H plus and Cl minus. मतलब ये ना कब सेपरेट होता है when it is dissolved in water. समझा तुमको? आप इसको इसको आप मेल्ट करोगे हीट करके तो इसके अंदर आयन फॉर्म हो जाएंगे. बट ये प्योर फॉर्म में होगा हाइड्रोजन क्लोराइड. अगर ये प्योर फॉर्म में होगा इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू आयन. बट वेन इट इज डिजोल्व इन वॉटर देन ओनली इट विल गिव हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन. समझ में आया तुमको? ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गया एंड दिस इज आयोनिक कंपाउंड. आया समझ में तुमको? नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड. अभी आयोनिक कंपाउंड में सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे सोडियम क्लोराइड का. ठीक है. अभी सोडियम क्लोराइड है अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा, इफ इट इज इन सॉलिड स्टेट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. आया समझ में तुमको ये? यस सर. बट डिसोसिएट इनटू मोल्टन अगर इसको ना आप हीट करोगे यानी कि मोल्टन स्टेट में क्या होगा? मोल्टन स्टेट में डिसोसिएट हो जाएगा. मोल्टन स्टेट डिसोसिएशन या डिसोसिएट. डिसोसिएट इनटू व्हाट? सोडियम एंड क्लोराइड आयन. समझ गया तुमको? और यू कैन से जब आप उसको पानी में डालोगे उसके एक्वस सोल्यूशन में भी इन एक्वस सोल्यूशन ऑल्सो इट विल डिसोसिएट इनटू इन मोल्टन स्टेट सोडियम क्लोराइड कंटेन्स NaCl कंटेन्स. क्या कंटेन्स? व्हाट डज इट कंटेन्स? एक तो सोडियम पॉजिटिव आयन दैट इज हम लोग कैटायन बोलते हैं एंड क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन. तो ये मेटालिक एंड दिस इज नॉन मेटालिक. नाउ बट सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये सारे प्रेजेंट नहीं होंगे. मतलब पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन जो है ये फ्री स्टेट में नहीं होंगे बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड आयन बोथ आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
फोर्स होता है, समझ में आया तुमको ये? दिस आर टुगेदर बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आया समझ में तुमको ये? ड्यू टू दिस एन आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट इज अ बैड कंडक्टर एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज अ बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, याद रखो ये, ठीक है? तो सॉलिड स्टेट में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर हेल्ड टूगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयरफॉर इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज हीटेड स्ट्रॉन्गली, अब आप उसको हीट कर दो, जैसे NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड, हीट करो, हीटेड स्ट्रॉन्गली, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ब्रेक्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक्स, समझ में आ तुमको ये? यस. एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, समझा तुमको? जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा? आयंस गेन एनर्जी, आयन गेन्स एनर्जी, विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, आयंस गेन काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ तुमको? एंड ब्रेक लूज एंड मूव फ्रीली, द मोल्टन सॉल्यूशन दस बिकम्स अ गुड कंडक्टर एंड देयरफॉर आई कैन से मोल्टन सॉल्यूशन बिकम्स अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आगे समझ में तुमको ये? यस सर. नाउ सी, डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट, डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट उसका कैसा दिया हुआ है? ये Na प्लस, ठीक है, एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन है. कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आया समझ में तुमको ये? जब ये हीट करोगे आप इसको, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन विल बी फ्री, समझ में आया तुमको? और इस तरह से इट इज सेट फ्री. आ गया समझ में तुमको ये? दीज आर फ्री आयन्स फॉर्म्ड इन मोल्टन स्टेट. यस सर. समझ में आया तुमको ये? फ्री आयन्स फॉर्म्ड इन मोल्टन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन. सोल्यूशन स्टेट अभी वाटर के अंदर पड़ेंगे. वाटर इज अ पोलर बॉन्ड सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट मींस व्हाट? देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर सॉल्वेंट? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मॉलिक्यूल इज डिफरेंट, अनइक्वल. तो लिखोगे पोलर सॉल्वेंट एग्जिबिट्स exhibit charge distribution, exhibit charge distribution in its molecule. अब देखो यहां पे in water क्या हो रहा है? In water हाइड्रोजन एटम डेवलप्स अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. अब ये एग्जांपल दिख रहा है वाटर का, एच और ये ओ और एच. तो हाइड्रोजन अक्वायर्स स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड ऑक्सीजन विल अक्वायर अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रहा है तुमको? इन वाटर हाइड्रोजन अक्वायर्स अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन डेवलप्स अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज. व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्वड इन वाटर, अब ये सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इट विल बी ब्रोकन. कैसे? ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खींचेगा अपनी तरफ, हाइड्रोजन क्लोरीन को खींचेगा, एंड देयरफॉर
this bond will break. Electrostatic force of attraction will break. And therefore, so this bond is broken and kya ho jata hai? Na plus N, Cl minus form ho jata hai. समझ में आया तुमको? तो इस तरह से जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों सेपरेट होता है? बिकॉज ऑफ द पोलर सॉल्वेंट नेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. समझ में आया तुमको ये? आयोनाइजेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड जैसे एग्जाम्पल एच सी एल दिया है, या अमोनिया ले लो. फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग? अमोनिया. अमोनिया NH3. ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एग्जांपल अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन गैसियस स्टेट. दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन गैसियस स्टेट, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन स्टेट. समझा तुमको ये? यस सर. बट आयोनाइज लिख सकते हो, बट आयोनाइज In aqueous solution state. समझ में आ तुमको ये? तो हाइड्रोजन क्लोराइड इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन क्लोराइड इन गैसियस स्टेट और इन प्योर लिक्विड स्टेट, और इन प्योर लिक्विड स्टेट, प्योर लिक्विड स्टेट और इन प्योर लिक्विड स्टेट इज अनआयोनाइज्ड. मतलब इसके आयन्स फॉर्म नहीं होते. हमने पीछे पढ़ा, डिस्टिंग्विश में लिखा था ना हमने. इज अनआयोनाइज्ड. आया समझे तुमको ये? एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आया समझ में तुमको ये? नाउ हाइड्रोजन क्लोराइड एज डिस्कस अर्लियर इज अ पोलर कोवेलेंट इन नेचर. जैसे वाटर के लिए एक्सप्लेन किया मैंने, वो इसके लिए पोलर कोवेलेंट, कोवेलेंट इन नेचर, इन नेचर. ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट? इट शोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इट शोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसा वाटर में हमने पढ़ा ना, इन द सेम वे हियर आल्सो शोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सच दैट हाइड्रोजन एटम हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन एटम हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज. समझ में आया तुमको? एंड व्हेन इट इज एडेड टू वाटर, जब आप वाटर में डालोगे, वाटर का भी चार्ज, वाटर भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हमने पढ़ा, इसका चार्ज सेपरेशन ऐसे H प्लस N O माइनस. समझ में आया तुमको ये? तो जैसे इसको आप वाटर में डालोगे तो इट विल ब्रेक ओपन, और ये ओपन होने के बाद क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा. समझ में आपको ये? नाउ वी विल डू द कंपेरिजन बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. अभी आपको मालूम है मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इन मेटल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू वॉट? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन which have negligible mass. तो मालूम ही तुमको negligible mass. Whereas in electrolyte the flow of electricity takes place due to flow of ions, यानी cations और anions. तुमको तो मालूम है cations मतलब towards cathode, anions मतलब towards anode. तो flow of electricity takes place due to flow of ions which are denser compared to electrons, and these are denser compared to electrons. First point samajh mein aaya tumko ye? Yes sir. Next point,
नेक्स्ट पॉइंट में देयर इज नो डिकम्पोजिशन ऑफ बैरन मेटल. जैसा आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइट में डिकम्पोजिशन होता है, बट यहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होता. तो नो डिकम्पोजिशन ऑफ पैरेंट मेटल. समझा तुमको? एंड दस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर इंटैक्ट, यानी कि एंड सो नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. या समझ में तुमको? Yes. But here, in this point, यहाँ पे there is decomposition of electrolyte. There is decomposition of electrolyte. Decomposition of electrolyte. Of electrolyte. There is decomposition of electrolyte. Electrolyte. Yeah, electrolytic solution. Electrolytic solution. And thus chemical property of electrolytes are altered. So chemical properties of electrolyte changes. Samjha yeah. Tumko electrolyte is altered or changes. Aaya samjha tumko? Yes. Yes. Metals are good conductor of electricity in the solid state. मेटल. इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन सॉलिड स्टेट. आया समझ में तुमको? मेटल्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट. नाउ कम टू दिस पॉइंट. यहाँ पे यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. तो लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट्स गुड कंडक्टर of electricity in aqueous or molten state. In aqueous solution or molten solution or molten state but not in solid state but not in solid स्टेट. समझ में आया तुमको ये? यस सर. नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग मेटालिक कंडक्शन. ड्यूरिंग मेटालिक कंडक्शन मेटालिक कंडक्शन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेटालिक कंडक्शन? देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मेटल. नो ट्रांसफर ऑफ मेटल. ट्रांसफर ऑफ मैटर. समझ में आ रहा तुमको? यस सर. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी. यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी. ओनली हीट एनर्जी. ठीक है. एंड नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. No new products are formed. Products are formed. Physical change हो गया ना. No new products are formed. समझ में आ रहा तुमको ये? No new products are formed. Whereas if I say in this here during electrolytic conduction conduction what is kya ho raha hai? What is happening? Transfer of ions. There is a transfer of ions. Kya ho raha hai? Transfer of ions.
transfer of ions. आया समझ में तुमको ये पार्ट? Yes. The flow of electricity decomposes the electrolyte and new products are formed. इसके अंदर क्या आएगा? यहाँ पे electricity current flow हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? Flow of electricity will decompose the ions. Flow of electricity decomposes the ions. Decomposes the ions. Ions. समझ में आया तुमको? And so new products are formed. New products are formed. Now, difference हम लोग पढ़ेंगे copper metal and copper sulfate जो solid है वो, ठीक है? क्या फर्क है? Copper metal is a good conductor of electricity. It is good conductor of electricity. Conductor of electricity. It does not undergo chemical decomposition. Does not undergo chemical decomposition. Chemical decomposition. समझ में आ रहा तुमको? हाँ सर. कॉपर है, मेटल है, तो केमिकल डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं उसका, ठीक है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. समझ में आया तुमको ये? नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट. ऑन द अदर हैंड कॉपर सल्फेट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट. Since it decomposes on passage of electric current, decomposes on passage of electric current. समझ में आया तुमको? Yes sir. Forming copper ions. क्या form करता है? It forms copper ions. And yes, sulfate ions. तो कॉपर आयंस डिस्चार्ज एट द कैथोड. कॉपर आयंस किधर जाएगा? कैथोड पे. सल्फेट आयंस एनोड पे जाएगा. समझा तुमको? Yes. और ये कॉपर कैथोड पे जाकर क्या बन जाएगा? कॉपर मेटल बन जाएगा. क्या बन जाएगा? कॉपर मेटल. और वहां पे जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा. आ गया समझ में तुमको ये? Yes, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. डिपेंडिंग अपॉन द ईज विद विच मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयंस दे आर अरेंज इन सीरीज. मतलब कैसा होता है कि अगर आप देखोगे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड मर्क्यूरी, सिल्वर, लास्ट इज सिल्वर. तो ये मेटल हो गया, ठीक है? दिस इज मेटल. और उसका कैटायन, उसका कैटायन हम लोग लिखते हैं ऐसा, के प्लस सी ए टू प्लस सोडियम वन प्लस मैग्नीशियम टू प्लस एल्यूमिनियम 3+, जिंक 2+, आयरन Fe2+, लेड 2+, हाइड्रोजन 1+, कॉपर 2+, मर्क्यूरी 2+ एंड सिल्वर 1+. तो ये कैटायंस हो गए सारे. समझ में आ रहा तुमको ये? तो जो ऊपर की तरफ होते हैं ना, जो ऊपर की तरफ होते हैं, दे आर डिस्चार्ज विद मोस्ट डिफिकल्टी. जो ऊपर वाले होते हैं डिस्चार्ज विद मोस्ट डिफिकल्टी. तो यहां भी इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, डिस्चार्ज विद मोस्ट डिफिकल्टी, ठीक है? तो पॉजिटिव आयन कैटायन डिस्चार्ज एट द कैथोड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या होता है, जो कैटायंस होते हैं ना, जब ये कैथोड पे जाएगा, व्हेन दे गो टू कैथोड, कैथोड, तो कैटायंस
जो है वो कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा. ठीक है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन. कैटायंस विल गेन इलेक्ट्रॉन्स और क्या बन जाएगा? मेटल बन जाएगा. वो समझ में तुमको? एटम बोलो. इट गेट्स रिड्यूस, समझा? एट द कैथोड एंड फॉर्म्स मेटल. तो अगर आप है ना ये एक्टिविटी सीरीज देखोगे, यहाँ पे देखो, ये एक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे तक है, तो ये जो नीचे वाले मेटल्स है ना, डिस्चार्ज मोस्ट इजीली, डिस्चार्ज मोस्ट इजीली. आया समझ में? और ऊपर वाले जो लिखा है डिस्चार्ज विथ मोस्ट डिफिकल्टी. सेम वे एनायन का भी है. ठीक है, एनायन का भी हम लोग लिखते हैं सल्फेट SO4 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 1 माइनस, NO3 1 माइनस, Cl 1 माइनस, Br 1 माइनस, I 1 माइनस एंड OH 1 माइनस. नाउ व्हाट अबाउट द एनायंस? नेगेटिव. अब ये जो लिखा है ना ऊपर वाला, ये डिस्चार्ज विथ मोस्ट डिफिकल्टी, डिस्चार्ज विथ मोस्ट डिफिकल्टी. और नीचे जो है डिस्चार्ज मोस्ट रेडीली, डिस्चार्ज मोस्ट रेडीली. आ रहा समझ में तुमको ये? जी यार. नेगेटिव आयंस दैट इज एनायंस, नेगेटिव आयंस दैट आर एनायंस. They are discharged at anode. Yes, discharged at anode. समझ में आ रहा तुमको ये? How? By loss of electrons. How do they discharge? By loss of electrons. तो ये जो हमने पढ़ा ना, cations they get reduced. यहाँ पे क्या होता है? Cations get reduced. Here anions get oxidized. Anions get ऑक्सीडाइज. समझ में आया तुमको ये? तो देखो, सी इफ आई वॉन्ट टू मेक द एक्टिविटी सीरीज, इफ आई वॉन्ट टू मेक द एक्टिविटी सीरीज, ये जो है ना उसका कोड बनाना है. तो देखो कैसा बनेगा. ये होगा पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक ऑल जू इन परफेक्ट ह्यूमिड कंडीशन मोर सेटिस्फैक्टरीली. इसका मतलब क्या है कि पॉपुलर मतलब पोटेशियम, साइंटिस्ट मतलब सोडियम, लेकिन याद रखो इन दोनों का पोजिशन चेंज है. यानी कि पहले आप कैल्शियम लिखोगे, फिर आप सोडियम लिखोगे, फिर बाद में मैग मतलब मैग्नीशियम, ऑल मतलब अल्यूमिनियम, जू मतलब जिंक, इन मतलब आयरन, परफेक्ट मतलब लेड, पीबी ह्यूमिड मतलब हाइड्रोजन, कंडीशन मतलब कॉपर, मोर मतलब मर्क्यूरी एंड सेटिस्फैक्टरीली मतलब सिल्वर. तो ये एक्टिविटी सीरीज हो गया, डाउन द ग्रुप हो गया. आया समझ में तुमको ये? नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस? हमने जो पिछले पीरियड जो टेबल पढ़ा हमने, तो आपने देखा कि जो सबसे ऊपर था दैट वाज डिस्चार्ज विद मोस्ट डिफिकल्टी, एंड जो डाउन द नीचे टेबल आया आपने तो देखा कि वो बहुत इजीली डिस्चार्ज होता है. तो उसका डेफिनेशन है द प्रेफरेंशियल discharge, the preferential discharge of ions present in an electrolyte. Yes, sir. At respective electrodes.
is known as preferential discharge of ion. Preferential discharge of ions. Discharge of ions. Understood? This is also called as selective discharge of ions. Selective discharge of ions. आ गया समझ में ये? Yes sir. Now next topic is factors affecting selective discharge. Yes. पहला है relative position of the cation or anion. Relative position of the position of cation or anion. In electrochemical series. Yes. In electro chemical series. Chemical series. Now two things we have to note. First, lower the position of the ion forming element in the electrochemical series, greater the tendency to be liberated. यानी कि आपने देखा lower the position in electrochemical series, electrochemical series short में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? Greater is the tendency to be liberated. Greater is the tendency to be liberated at the electrode, to be liberated at respective electrode. अगर पॉजिटिव है तो कैथोड पे लिबरेट होगा और अगर वो क्या कहते हैं नेगेटिव है तो एनोड पे होगा, to be liberated at respective electrode. समझ में आया तुमको ये? First we will consider cations. Yes sir, cations. Cations में देखो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, consider one example, Cu2+ and H1+. ये suppose कहाँ गया? Cathode पे गया. Where it went to? Cathode. अभी electrochemical series देखो, तो in the electrochemical series copper lies below the hydrogen, therefore copper will discharge. Copper will discharge where? At cathode. समझ में आया तुमको? Yes. Copper will discharge at cathode. समझ में आया तुमको ये? Yes. Next, second example, Ag1+ and H+. ठीक है, अगेन सेम पूरा कैथोड पे कौन सा डिस्चार्ज होगा? Ag+ विल डिस्चार्ज एट द कैथोड. नाउ फॉर एनायंस, नेक्स्ट वी विल कंसीडर द एग्जांपल फॉर एनायंस. SO4 एनायंस. हाँ, सल्फेट आयंस ले लो, SO4 2- and OH -1-. अब ये दो एग्जांपल लो, तो व्हाट विल माइग्रेट टू एनोड? दोनों माइग्रेट होंगे, दोनों व्हाट विल माइग्रेट टू एनोड, बट डिस्चार्ज क्या होएगा? इसके ऊपर भी मैंने ऐसा लिखना था कि कैथोड पे दोनों जाएंगे, कैथोड पे बोथ कॉपर एंड हाइड्रोजन विल गो, बट डिस्चार्ज क्या होगा? कैथोड पे कॉपर डिस्चार्ज होगा. सेम वे सिल्वर एंड हाइड्रोजन विल माइग्रेट टू कैथोड, बट डिस्चार्ज क्या होगा? सिल्वर होगा. समझ में आ रही है? सेम वे फॉर एनायंस, सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल माइग्रेट टू एनोड, विल माइग्रेट टू एनोड, बट विच इज गोइंग टू डिस्चार्ज? OH-. वाई? बिकॉज OH- इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लोएस्ट पोजिशन पे, तो दिस विल डिस्चार्ज एट एनोड. आ गया समझ में तुमको ये? Yes,